आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 11 का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो आखिर बच्चों ये बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या है और डिफरेंस का कारण क्या है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ होता है। तो व्हाट इज सेल? इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तुम बच्चों एक ह्यूमन बीइंग की बात ही करो तो हमारा जो है ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल हो, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सिंगल सेल जायगोट से, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो जायगोट में क्लीवेज डिवीजन होने के बाद 12वां डिवीजन होगा और एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा इंडिविजुअल। तो सिंगल से जायगोट से एक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है। और जायगोट कैसे बनता है? फर्टिलाइजेशन से बनता है। तो इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग। यही सेल ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किससे बना है? सेल से बना है। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, लेकिन कुछ सिंगल सेल से बना है एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल अमीबा, फाइल अदर है कंपोज ऑफ मेनी सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, ये सब बच्चों मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल से बना है। तो सिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जो सिंगल सेल से बना है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मेनी सेल से बना है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल जैसे अमीबा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, इत्यादि। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल से बना है, इसका मतलब क्या? इस सेल में वो सारा प्रॉपर्टी मौजूद रहेगा जो इसको एग्जिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। और यही सेल सारा जो जरूरत होता है यूनिसेलुलर को जीवित रहने के लिए वो सब इसमें मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है इसका यूनिसेलुलर, क्योंकि वो इसमें सारा वो चीज मौजूद है और ये एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को कर सकता है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगर इस सेल में कोई भी चीज एब्सेंट हो जो होना चाहिए, कोई ऑर्गेनल एब्सेंट हो, तो क्या होगा? डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं रह पाएगा सेल। इसीलिए तो बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब बच्चों अब हम देखते हैं इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज बिल्ट बाय जेकेरियस जॉनसन। सबसे पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप को कौन बनाया था? जेकेरियस जॉनसन। ही वाज मॉडिफाइड बाय, इसको मॉडिफाई कौन किया? गैलीलियो किया। अब हम सेल चैप्टर पढ़ें और रॉबर्ट हुक का चर्चा नहीं करें, तो ये
ना इंसाफी होगा रॉबर्ट हुक के साथ, क्योंकि रॉबर्ट हुक का बहुत बड़ा योगदान है। रॉबर्ट हुक डेवलप ए न्यू माइक्रोस्कोप एंड स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेनी प्लांट। ये एक न्यू माइक्रोस्कोप डेवलप किया और स्टडी किया बहुत सारे प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो वो देखा स्लाइस ऑफ कोर को, स्लाइस ऑफ कोर को जब ऑब्जर्व किया तो उसमें उन्होंने पाया कि सेल जो है हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है। जब उन्होंने कोर को देखा तो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर नजर आया इस तरह। मधुमक्खी के छत्ता कैसा, तो रॉबर्ट हुक डेवलप ए न्यू माइक्रोस्कोप एंड स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेनी प्लांट। और उन्होंने एक बुक लिखा था माइक्रोग्राफिया, और उस बुक में इन्होंने जिक्र किया सेल के बारे में। तो ही ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कोर एंड फाउंड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। एक स्लाइस ऑफ कोर को लिया, ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है मधुमक्खी छत्ते की तरह, और उसमें बहुत सारा कंपार्टमेंट है। अब ये देखो बहुत सारा कंपार्टमेंट, उसी को क्या बोला, सेल बोला, फर्स्ट सेल। इसलिए फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सबसे पहले फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 किसमें, कॉर्क में। कॉर्क क्या है, कॉर्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम, और की जो सबस्टांस ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, इसके बाद बच्चों और सारे बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग खोज की, जिसमें एंटोन वॉन लीवेनहुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक 1674 में उन्होंने देखा लिविंग सेल को। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की बात की थी, लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल को कौन डिस्क्राइब किया, तो एंटोन वॉन लीवेनहुक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉन्ड वाटर। फिर रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। रॉबर्ट ब्राउन किस पर डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को, किसमें, सेल्स ऑफ ऑर्चिड रूट को में। फिर पुरपुंजे 1839 में एक टर्न पॉइंट किया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड सबस्टांस ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड सबस्टांस ऑफ सेल। तो सेल को फिर से हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि सेल क्या, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ था, सेल से। इसीलिए कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद जो सभी ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल से बना हुआ है या मेनी सेल से बना होगा, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो मेनी सेल से बना है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल जैसे अमीबा, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, बर्ड्स, हम लोग क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बने हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो एक ही सेल से बना है, इसका मतलब वो सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका। उसके बाद परफोरेशन और सारा फंक्शन उसका एक ही सेल कर रहा है, इसलिए क्या परफोरेशन से फंक्शन लाइक। अब सेल में जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए क्रोमोसोम हुआ या कोई भी राइबोसोम हुआ, अगर सेल का कोई भी पार्ट अगर अब्सेंट हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसका हम देखें कि सबसे पहले माइक्रो कौन, क्या जैकब जॉनसन, फिर रॉबर्ट हुक जो माइक्रोग्राफिया बुक लिखा उसी में उन्होंने सेल के बारे में जिक्र किया, और उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया जो कैसा था देखने में, मधुमक्खी के छत्ते की तरह था। और एक बात और यहां पर जान लो, सेल को लैटिन वर्ड में सेल इन लैटिन में इसको हम बोलते हैं लिटिल रूम,
लैटिन में सेल को क्या बोलते हैं, लिटिल रूम। उसके बाद रॉबर्ट हुक क्या कहता सेल को डिस्कवर किया था, किसमें, कॉर्क में। कॉर्क कहां से प्राप्त करते हैं, बार्क ऑफ ट्री से। फिर एंटोन ग्रिनर लिवन जो सबसे पहले लिविंग सेल को देखा पॉन वाटर में। फिर रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन ऑर्चिड रूट में। फिर पुरकंजे 1839 में पाइंटन प्रोटोप्लाज्म है क्या, फ्लूड सबस्टांस ऑफ सेल। थैंक यू बच्चों, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बार बार समझ में आए तो बार बार इसको रिवाइज करो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों में, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा पहुंच सके।